तो ये क्या अपना एक पीस काफ़ी रहेगा थोड़े से ग्रेवी के साथ हमारे लिए। शुक्रिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज फूडी समरिस्ताज। और फूडी समरिस्ताज ना आज स्ट्रीट को छोड़ करके आ चुके हैं कैफे के अंदर। कौन सी कैफे? पटना की, इनफैक्ट पूरे भारत की फर्स्ट ट्रांसजेंडर कैफे। जी हाँ, थोड़ा सा आप लोगों ने इंटरेस्टिंग ये लगने वाला है अभी वीडियो, तो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा अंदर का एम्बियंस भी देख लेते हैं। और एम्बियंस के बाद आप लोगों को मैं किनसे मिलवाऊंगा, तो रेशमा प्रसाद मैम से, जो इंडिया की बिगेस्ट यूथ आइकन है इन द ट्रांसजेंडर फील्ड। सो ये है हमारी रेशमा प्रसाद मैम, जिनके बारे में अभी आप लोगों को मैं बता रहा था। सो मैम, दर्शक हमारे देख रहे वीडियो को पूरा, है ना, तो आप उनको अपना कोई मैसेज या फिर इस पूरे कैफे के पीछे की स्टोरी कुछ बता देंगे। इट इज अ वेरी नेसेसरी फूड कनेक्ट विद द तो ये देख सकते हैं भाई हैं अपने क्या, जो दही के शोले। थोड़ा सा पास आ जाइएगा तो दिखाते हैं आपको, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर देखो, ओए होए होए, और अंदर एकदम दही क्रीम मलाइया भरी हुई। और उससे ज़्यादा पता है अच्छी बात क्या है यहाँ पे, ये देखो इसकी प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने सिनेमैटिक आना डाला था, सिनेमैटिक आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा होगा, तगड़ी है। मन तो नहीं कर रहा डिस्टर्ब करने का, लेकिन उससे ज़्यादा मन पता है क्या कर रहा है, उसको देख देख करके मुँह में पानी को कंट्रोल करने का। तो पानी तो कंट्रोल होने वाला है नहीं, चलो खाते हैं। तो थोड़ा पास आओ, दिखाता हूँ कितना ये एकदम अंदर से एकदम, देख रहे हो स्टफिंग, ओए हाय हाय, अभी भी एकदम गर्मा गर्म है। यहाँ से उठाते हैं एक पीस अपना और मस्त डालते हैं अपने मुंह में, ओए हाय भाई। दही के शोले हैं तो लाजवाब, मतलब अगर किसी ने शोले मूवी के साथ अगर कंपेयर कर दिया वाला, तो शोले मूवी देखते देखते ये खाने का अपना ही आनंद आ जाने वाला है। तो भाई साहब देख सकते हो प्रेजेंटेशन के नाम पे यहाँ पे ना चाशनी से अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। तो ये कौन सा है हमारा? चिकन रेशमी कबाब, और उसके बगल में है अपना चिकन सी कबाब। शुरू करते हैं पेट भरने का कार्यक्रम, दही के शोले को ऑलरेडी दिखा दिया है, तो थोड़ा सा पास आइएगा ताकि कट करते हुए दिखा सकूँ मैं सभी लोगों को। कहते हैं और बिना चटनी में लगाए स्पाइट लेंगे, उसका फ्लेवर बताएंगे। क्यों चटनी में अभी नहीं लगाने वाले, ऑथेंटिसिटी जानने के लिए ना, किसी भी खाने का उसके ऊपर कुछ नहीं डालो, जैसे किचन से है वैसे खा लो। और उससे इंटरेस्टिंग बात है इसमें ऊपर से चाशनी वाशनी पड़ी हुई देख रहे हो, ये तो रखते हैं और लेते हैं अपना पहला बाइट अपन। यहाँ से चिकन सीख कबाब को उठाऊँगा और उठा कर डुबो दूंगा इस पूरी चटनी में, और पहला बाइट लूँगा चटनी के साथ और इसके बाद वाला बाइट लूँगा बिना चटनी के। एक बात बताओ, चिकन सीख कबाब खाना हो ना चटनी में डुबोना, क्यों नहीं डुबोना चटनी में? चटनी इतनी लाजवाब है ना कि यू कैन नॉट कंपेयर इट विद मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन पटना। तो चटनी तो ओवर डोमिनेट कर चुका है भाई, सीख का फ्लेवर कौन देगा? तो बिना चटनी वाला कबाब का बाइट। मेरे को एक बात बताओ, दिल्ली वाले शेफ्स पटना में आकर के नौकरी वोकरी कर रहे हैं क्या? इसका स्वाद भाई मतलब एकदम दिल्ली वाला बाइट दे रहा है। तो सतरंगी कैफे ने ना एक्चुअली मुझे इम्प्रेस किया। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे के वीडियोस में दिखाता हूँ आप लोगों को और भी डिशेस, शायद हो सके तो हम किचन में भी जाएंगे और कुछ बनते भी दिखाएंगे, और उसके बाद हम खाते खाते आपको जायका बताएगा, वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अपन लोग ना आ चुके हैं अंदर किचन में, और यहाँ पे सबसे पहले क्या बनवाने वाले हैं, तो हम अपने लिए वो चिकन बटर मसाला बनवाएंगे भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जा रहा है बटर, हल्का सा मेल्टेड बटर भी है वो साथ में, अपना चॉप्ड अनियन। ये मेरा एक फेवरेट पार्ट होता है, आग लगवाना, दिल की आग है एक्चुअली। और ये चॉप्ड गार्लिक है अपना, हल्का हल्का जब ब्राउनिश हो जाता है ना यहाँ के प्याज और गार्लिक, तो यहाँ पे डालते हैं टमाटो प्यूरी, राइट। फिर पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं टमाटो प्यूरी को। तो टमाटर में इतनी महंगाई में टमाटर में कुछ मिलावट नहीं होती है भाई? कोई मिलावट नहीं है यहाँ पे, बिना मिलावट के। और ये क्या अपना टमेटो सॉस है ना, पड़ा मसाला कौन सा है? चिकन मसाला, कश्मीरी मिर्च, कस्तूरी मेथी, मीट मसाला, ये है मीट मसाला,
ग्रेट। तो भाई चिकन मसाला भी था, इसमें मीट मसाला भी था, हल्का सा शुगर। तो ये मराठी स्टाइल बना रहे हैं आप या फिर दिल्ली वाला स्टाइल बना रहे हैं? टेस्ट बैलेंस करने के लिए करते हैं हम यहाँ पे। ग्रेट। तो ये गया आपका स्वाद अनुसार नमक शमक। और जब बटर चिकन की बात हो तो क्रीम को कैसे भूल सकते हैं? तो ये गया अपना अमूल क्रीम, काफी ढेर सारे क्वांटिटी में पड़ा है, कोई कंजूसी नहीं है भाई। और एक बार फिर से अमूल मक्खन। और ये देखो कटे हुए चिकन तंदूरी, पहले से रोस्ट किया हुआ था इसको, तो चलिए ठीक है भैया डाल ही दीजिए। और ये गया अपना चिकन का पीसेस। तो एक फुल प्लेट में चार बड़े बड़े चिकन के टुकड़े जाते हैं, राइट? तो अपनी जो बटर चिकन है ना बन करके तैयार है, चलिए सर्व करवाते हैं। सर्व करवा करके चखते और बताते हैं इसका स्वाद। तो ये देखो भाई अपना, ओए होए 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 होए, तो अपना प्लेट में लगना चालू हो गया। और सुगंध जो है ना भाई, तुम तगड़ी है, मन कर रहा है यहाँ पे हाथ डालूं और यहीं से खा लूं इसको। नहीं थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हो गया है ना, सब्र का फल जो होता है ना वो बटर चिकन मसाला होता है। अब बारी है इसकी ड्रेसिंग की, तो देखिए यहाँ पे क्या मिर्चा और ऊपर से जा रहा है एक बार फिर से अपना फ्रेश क्रीम। और फिनिशिंग टच हो रही है हल्का हल्का मक्खन के साथ। तो बन गया पूरा तैयार है अपना, है ना, और ऊपर से एक बार धनिया का बारिश। लेकिन भाई पूरे हाथ में ग्रेवी लग रही है, तो चिकन को ना तोड़ते हैं। ये देखो, ओए होए 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 होए, पता चल जा रहा है तोड़ते तोड़ते ही कि कितना सॉफ्ट हो रखा है ये चिकन। और अंदर के देखो रेशे को, उससे पता चल रहा है भाई कि एकदम सॉफ्ट है, अच्छे से बना हुआ है, तंदूर किया हुआ है इसको। तो हाथ हो चुका है गंदा, तो क्या करते हैं ना, गंदे गंदे हाथों से तोड़ते हैं अपनी गार्लिक नान और लगाते हैं इसमें हल्का सा ग्रेवी। और लेते हैं चिकन का एक टुकड़ा और पहला बाइट लेकर के आप लोगों को बता दूं ऐसा स्वाद। तो चलिए, तो भाई अगर ना फ्लेवर की बात करें, और भाई बोल दिया तो यार गोपियां छोड़ मत देना, वीडियो देखना, आप लोग देखते रहो। तो अगर फ्लेवर्स की बात करेंगे ना हम यहाँ पे, तो इंटरेस्टिंग है, मसालेदार है, बस काजू की कमी थोड़ी सी लग रही है मेरे को। नहीं पता क्यों यार, आजकल मेरे को काजू पेस्ट खाने का ज़्यादा ही मन कर रहा है। और तो बटर चिकन में उतना यूज़ नहीं किया जाता है, बट इफ़ यू यूज इट इट्स गोना बी लाइक बस। हाँ, हनी की ड्रेसिंग थोड़ी सी चाहिए थी इसमें, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो इट्स रियली डैम डिलीशियस। सबसे डिलीशियस फैक्टर है इसका ग्रेवी, वो थिकनेस है टमेटो प्यूरी की, उसके ऊपर से जो मसाले पड़े थे ना, सीक्रेट मसाले तो कुछ नहीं थे इसमें, सिर्फ और सिर्फ चिकन मसाला, बट मीट मसाला, ये सब यूज़ किया गया था जो हम लोग बेसिकली अपने डेली हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। उन सब के बावजूद जो फ्रेश क्रीम जो बटर के साथ उसको इन्फ्यूज़ किया गया है, वो आग लगा गए थे पूरा, इससे हमें फ्लेवर एकदम मज़ेदार हो चुका है। सो मेरा रिव्यू इस चीज़ के लिए लाइक यही रहा कि दिस इज लवली, नॉट द फाइनेस्ट बटर चिकन आई हैव, बट इट इज़ रियली गुड। सो मेरी वीडियोज अगर आप लोग पसंद आई ना, तो सतरंगी कैफे जरूर विजिट करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं फिर किसी और लोकेशन में किसी और डिशेज के साथ। टिल देन आप सभी को मेरा टाटा बाय बाय एंड सायोनारा। सर मैं आइसक्रीम डालता हूँ, ओरियो चार पाँच डाल देता हूँ, चार पाँच पीस नहीं पैकेट, दूध डालता हूँ साथ में, थोड़ा सा क्रीम डालता हूँ, और पता है चीनी, और हल्का सा ऊपर से ग्रेटेड गुड़, उसके कारण ना मतलब जो फ्लेवर है ना, मतलब ओए होए क्या बताओ, तुम लोग कभी खाए नहीं हो यार, आओ कुछ लोग आओ मेरे साथ, चलो खाना वाना बनाते हैं घर में बैठ करके। हाँ, हम लोग ना इसके बाद किचन जाने वाले हैं, और किचन जा करके हम बनवाने वाले हैं और देखने वाले हैं यहाँ का चिकन बटर मसाला, पूरा रेसिपी देखेंगे उसका। कॉपी पेस्ट कर सकते हो वो कॉपी पेस्ट कर लेना, घर पे बना लेना, लेकिन जो शेफ का एक कला होता है ना, वो प्यार मोहब्बत दिलचस्पी के साथ खाना बनाते हैं, वो चीज़ नहीं बना पाऊंगे, इसलिए सतरंगी कैफे ही आना और यहीं पे आकर के खाना अगर मेरा रिव्यू सही रहा तो।